नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूँ गुरुकुल दाओ से नॉलेज चैनल में। मैं हूँ आचार्य बापू। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। मैं थक गया हूँ बहुत सारे सवालों का जवाब देते देते ईमेल में, और सारे जो सवाल आ रहे हैं वो हनुमान चालीसा से के लिए ही आ रहे हैं, यानी हनुमान चालीसा के बारे में आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, कितने सारे कमेंट में बताऊं, कितने सारे मेल में बताऊं। तो आज मैंने वीडियो डालने का सोचा और मैं वीडियो डाल रहा हूं। मैं मजबूर हो गया वीडियो डालने के लिए, क्योंकि मैंने वीडियो स्पेशल बनाया हनुमान चालीसा को कैसे सिद्ध करें, हनुमान चालीसा को कैसे पाठ करें, हनुमान चालीसा 7 बार पाठ करने के बाद क्या होता है, 100 बार पाठ करने का क्या होता है। लेकिन छोटी छोटी बातों में ना समझते हुए छोटी छोटी बातों को लेके मुझे मेल करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप मेरे बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे। ये मेरा फाइनल वीडियो है सारे हनुमान चालीसा के लेके, सारे सवाल और इसका जवाब के लिए। एक एक करके मैं सारे आंसर आपको देता जाऊँगा, और आप चाहे तो इसको समझे ना समझे, इसके बाद कोई भी हनुमान चालीसा रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का वीडियो नहीं बनेगा, और कुछ प्रयोग का वीडियो बन सकता है। तो ध्यान से सुनिए। पहले सवाल ये है, क्या हनुमान चालीसा को सिद्ध करना जरूरी है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए हनुमान चालीसा का प्रयोग करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, तो हनुमान चालीसा का सिद्ध करना जरूरी है। लेकिन अगर आप अपनी उन्नति चाहते हैं, जैसे ग्रहों का शांति के लिए, या आपका कोई संकट को हटाने के लिए, कोई पीड़ा को समन करने के लिए, तो आप नित्य 7 बार यानी 7 टाइम्स, प्लीज 7 टाइम्स। अभी ये मत पूछना कि वो 100 बार कहते हैं, आप 7 बार बोले। 7 और 7 में बहुत डिफरेंस है भाई लोग, तो इसलिए 7 बार आप पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो 1 बार पाठ कर ले, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। ठीक है, ये फाइनल हुआ। उसके बाद दूसरा जो सवाल था, ये आपका सवाल था, क्या महिलाएं पढ़ सकती हैं? मैंने आपको एक वीडियो बना के मैंने आपको ये बताया था कि हाँ जी पाठ कर सकते हैं, फिर अभी बोल रहा हूँ कि हाँ यस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि कोई महिला पाठ करे, पुरुष पाठ करे, बच्चा पाठ करे, कोई भी पाठ करे। इसमें ये कहा गया जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ठीक है, जो भी पाठ करेगा, चाहे वो छोटा बच्चा पाठ करे, कोई बुजुर्ग इंसान पाठ करे, कोई भी महिला पाठ करे, पुरुष पाठ करे, उसको फल मिलना ही मिलना है। तो इसके लेके और कोई सवाल मत पूछिएगा, क्या हनुमान चालीसा महिलाएं पाठ कर सकती हैं नहीं कर सकती है? और मेरे सारे जो सब्सक्राइबर भाई लोग हैं, जो भी हैं, उन दोस्त हैं, मैं आपको सारे दोस्तों को मेरा एक ही निवेदन है कि बंधुओं को एक ही निवेदन है, कोई भी इस तरह की क्वेश्चन पूछता है तो इस वीडियो का लिंक उसके कमेंट रिप्लाई में दे दीजिए, ताकि वो मुझे बार बार ये क्वेश्चन मत पूछे, क्योंकि मैं थक गया हूँ एक ही क्वेश्चन का आंसर देते थे हर वीडियो में। किसने कहा आपको, अगर कोई कहता है कि हनुमान चालीसा का पाठ महिलाएं नहीं कर सकती है, उसको मेरे चैनल का, मेरे वीडियो का लिंक दे दो, और अगर वो मुझे पूछेंगे तो मैं उसको पूरा विश्लेषण बताऊंगा, मैं उसको आंसर देने के लिए राजी हूं। लेकिन इस तरह की भ्रांति में मत रहें कि महिला पाठ मत करें, महिला ऐसा हनुमान चालीसा का पाठ मत करें, ऐसे बहुत सारे भ्रांतियों से दूर रहिए आप लोग, ठीक है। तीसरा ये क्वेश्चन था कि हनुमान चालीसा का जो है क्या एक दिन में सिद्ध हो सकता है? जी जरूर हो सकता है हनुमान चालीसा का सिद्ध। आप जो है ना किसी भी अच्छे काल, शुभ काल में 108 बार पाठ करके सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन वो जो जागरण करेंगे वो आपके लिए ही करेंगे, यानी वो आपके लिए, आपके परिवारजनों के लिए आप काम करेंगे। लेकिन अगर आप जन कल्याण के भावना से करते हैं, हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करते हैं, हवन वगैरह करते हैं, तो आप क्या करें कि उसको कम से कम 21 दिन या 41 दिन तक आप डेली 108 बार पाठ करके भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा विधान है, मैं आपको कभी दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने घर परिवार, अपने जो रिलेटिव है उनके लिए पाठ करना चाहते हैं, तो आप 108 बार करके सिद्ध करके भी पाठ कर सकते हैं। हालांकि मैं एक ये बात कहूंगा कि कलयुग में हनुमान जी और भैरव देव जैसे जागृत देव हैं, तो उनका कोई भी मंत्र हो जो है पहली बार उच्चारण मात्र से वो प्रभाव देना लग जाता है, तो इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा सिद्धि का विधान करना नहीं पड़ता है। फिर भी अगर आप लोगों के जन कल्याण के लिए करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो इसको आप जरूर सिद्ध कर दीजिए। और एक क्वेश्चन आया था कि हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद जो शरीर में पीड़ा होता है उसका क्या, इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। कोशिश करूंगा कि सारे वीडियो का लिंक जो है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूं, ताकि आप लोग मुझे बार बार सवाल मत पूछो, क्योंकि अगर सवाल का जवाब नहीं दे रहा हो तो आप फिर से मेल पर पूछते हो कि आचार्य जी हमारा रिप्लाई नहीं दे। देखो मैं किसी के रिप्लाई 10 बार रिप्लाई देने के लिए मैं बाउंड नहीं हूं, ठीक है। मेरा मर्जी आता है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार रिप्लाई दे सकता हूं, लेकिन मूर्खों की तरह एक क्वेश्चन को बार बार पूछना बिना
बिना कुछ वीडियो का पुराना वीडियो दे। आप लोगों का गलती क्या होता पता है, आप तो एक तो वीडियो पूरी तरह से देखते नहीं हो, मेरे चैनल पर थोड़ा 2 मिनट देख लिया फिर दूसरे के चैनल पर जाके 2 मिनट देखते हो, फिर ऐसे करते करते ज़िंदगी भर ऐसे ही भटकते रह जाओगे। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखिए, वीडियो में सब कुछ डिटेल बताया जाता है। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेल करें, नहीं तो कमेंट्स में बताएं, कोई भी सज्जन इंसान आपको ये बता देंगे कि हनुमान चालीसा क्या क्या है, क्या नहीं क्या नहीं। ठीक है, तो एक बात आप समझ लीजिए कि हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप दूसरों के लिए जनकल्याण की भावना से करें तो इसको थोड़ा अनुष्ठान बड़ा करना होगा, क्योंकि उस तरह की ऊर्जा आपके अंदर आई है। तो और एक बात है कि हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद जो रीढ़ में कमर में ये सारे में दर्द होता है, देखिए पहले एक बात है, अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं है, यानी आप पहले तो एक बात होता है कि आप बहुत समय तक बैठ जाते हो 2.5 घंटा 3 घंटा, तो इसलिए आपको दर्द वगैरह होता है, तो इसके लिए पहले आप कुछ दिन बाम का ट्राई करें। आप दर्द वगैरह होता है तो थोड़ा डॉक्टर से मिलिए, क्यों दर्द हो रहा है, हो सकता है आपको कुछ दूसरे मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बात जो है अंधविश्वास में मत रहें, थोड़ा सा कुछ कर दिए पूजा पाठ करने के बाद मुझे ऐसा हो रहा है, झटका मारा ऐसा हो रहा है, हो सकता है आपको कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ट्रेमर हो रहा है, हो सकता है और भी कुछ दिक्कत हो रहा है, तो पहले आप मेडिकल इश्यूज को देखें। कुछ मेडिकल इश्यूज अगर हो रहे हैं तो उस बात को आप समझें कि तो अगर आप मेडिसिन वगैरह खाएं, अगर उसे भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह कुछ भी करने से पहले या करने के बाद आप सीताराम इसका जाप कर सकते हैं, श्री राम जय राम इसका भी पाठ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था आपको आप करने के बाद धीरे धीरे 11 दिन करें, इसके लिए भी मेरा एक वीडियो है, उसको भी आप देखें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो है कि हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद कुछ लाभ नहीं होता है, क्या करूं? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं 2010 से शायद से बीच बीच में 108 बार बहुत बार प्रयोग कर रहा था, बहुत बार, कभी 108 बार कर लिया, फिर मन किया 108 बार कर लिया, लेकिन मुझे फल कब मिला पता है आपको? 2017 में मुझे फल मिला। 2010 से लेकर 2017 तक मैंने बिना किसी अनुभूति की ही हनुमान जी का उपासना किया। तो 7 साल अगर मैं इंतज़ार कर सकता हूं तो आप लोग नहीं कर सकते क्या? 15 दिन में हनुमान चालीसा का जो है मुझे अनुभूति होना है। और दोबारा एक बात याद रखिए, नेक्स्ट टाइम किसी को अगर मैं एडवाइस देता हूँ 10 दिन 15 दिन के बाद आके कहता है कि मुझे अनुभूति नहीं हुआ, तो मैं उसका मेल आईडी उसको ब्लॉक मारूंगा, क्योंकि मुझे इस तरह की जो अननेसेसरी सवालों का जवाब, जिसका पास धैर्य नहीं है ना, तो गुरुकुल द ऑसन ऑफ नॉलेज चैनल से आप चले जाइए, जिसके पास धैर्य है तो इस चैनल में आइए, जिसको रातों रात इतने सारे प्राप्त करना है तो दूसरे जगह पर जा सकते हैं। मेरे इस चैनल में और इस गुरुकुल द ऑसन ऑफ नॉलेज परिवार में उस इंसान का कोई भी स्थान नहीं है जो रातों रात सपना देख रहा है कोई चमत्कार होने के लिए। ये कंप्लीटली सात्विक उपासनाएं है, कंप्लीटली वैदिक रिलेटेड होता है, और ये जो सारे बहुत सारे वैदिक मंत्र है, जैसे चंडी माता का जो मंत्र दिया जाएगा वो थोड़ा सा जो वैदिक तंत्र जैसे होते हैं, वैदिक और तंत्र मिक्स के होता है, उस तरह से आपको दिया जाएगा। तो जिन लोगों के पास धैर्य नहीं है, कृपया इस चैनल से आप चले जाइए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरा भी टाइम बर्बाद मत करिए और आपका भी टाइम बर्बाद मत करिए, क्योंकि ये पूरा जो लोग जुड़ेंगे, भले ही 100 लोग जुड़े, जिसके पास धैर्य का शक्ति है, धैर्य शक्ति है वो जुड़े, अगर जिसके पास धैर्य शक्ति नहीं है कृपया आप दूसरे चैनल जा सकते हैं, उधर आपको रातों रात बहुत कुछ मिल सकता है। ठीक है ना, और मुझे लगता है जितने भी सारे इंपॉर्टेंट सवाल मैंने कवर कर दिया है, फिर भी अगर कोई बाकी रह गया तो थोड़ा सा वीडियो में जाके देखिए। हाँ, और एक बात है कि हनुमान चालीसा ज़्यादा पावरफुल है, बजरंग बाण ज़्यादा पावरफुल है, इस तरह के क्वेश्चन मुझे मत करिए, क्योंकि ये जो होता है ना इसको किसी चीज़ पे कंपेयर करना ये सबसे बड़ी बेकार का चीज़ होता है। किसका काम अलग होता है, इसका काम अलग होता है, कोई कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा, ये बहुत ही बेकार का चीज़ है। जिस समय में ना, अगर हनुमान जी को आप इष्ट मानते हो ना, जिस समय में आपको जो ज़रूरत होगा वो आपको प्रदान कर देंगे। अगर वो आपको माता जी तक पहुँचाना चाहते हैं तो वो माता वैष्णवी तक पहुँचा देंगे ज़रूर। अगर राम जी तक पहुँचाना चाहते हैं तो वो उनके तक देंगे। ठीक है, अगर वो बात है कि अगर आप ठीक से कर नहीं पाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग जो अभी हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करके उठे हैं, कोई भी हनुमान मंत्र सिद्ध किए हैं, वो राम जी के जो प्रेम में अभी आगे बढ़ रहे हैं, यानी हमेशा उनको राम जी महसूस हो रहा है, उनका मेरे पास ऑडियो क्लिप में, उनका बिना परमिशन में नहीं डाल सकता, उनको किस तरह से मतलब उनका अंदर जो है राम की भक्ति जागृत हो रहा है, और कोई कोई जो है माता जी को जो उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो ये मत पूछिए कि हनुमान चालीसा पाठ करें तो अच्छा लाभ होगा,
बजरंग बाण पाठ करें तो क्या उसे ज़्यादा अच्छा लाभ होगा। अगर आपको ऐसे ट्राई करना है तो आप करते जाइए, आप कृपया मुझे मत पूछिए। और ये मेरा लास्ट था हनुमान चालीसा के बारे में सारे जो सवालों का जवाब देना, ये मेरा लास्ट था। इसके बाद जो कोई भी हनुमान चालीसा रिलेटेड कोई सवाल पूछेगा उसका जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत वीडियो बन चुका है, बहुत बार समझा चुका हूँ। क्योंकि आप लोग ऐसा आदत हो गया कि आपको अगर कोई अपना टीचर होमवर्क करने देते हैं तो आप इसको पूछते हो कि ये होमवर्क कैसे करूँगा, उसको पूछते ये होमवर्क कैसे करूँगा, आपका वैसे ही बन गई है। कृपया आप खुद से करें तो आगे जाके समझेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है तो हनुमान जी आपका जो है आपको मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ ये जो क्लियर करने के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था, वीडियो आपको बहुत पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय शंकर, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय राम, जय राम, जय राम।